ग्वालियर पुलिस ने 30,000 के फरार इनामी डकैत राम साहे गुर्जर का अवैध मकान तोड़ दिया है। इस मकान को तोड़ने के लिए राम साहे के खौफ के कारण गांव में कोई भी मजदूर सामने नहीं आया और खराब रास्ते की वजह से जेसीबी मौके पर नहीं पहुंच पाई, जिसके चलते पुलिस अधिकारियों ने अपने हाथों से डकैत का मकान गिराया। चंबल का इलाका जाना ही जाता है डाकुओं के आतंक के लिए। यहाँ पर कई एक से बढ़कर एक खूंखार डाकू हुए हैं। इतना कुछ बदलने के बाद भी आज भी जनता यहां पर इन डाकुओं के आतंक से उभर नहीं पाई है। ग्वालियर पुलिस ने 30,000 के फरार इनामी डकैत राम साहे गुर्जर का अवैध मकान तोड़ा है। आपको बता दें, ग्वालियर की जनता इस डकैत के आतंक से परेशान हो गई है और जनता में इसका खौफ इतना है कि इसके मकान को तोड़ने के लिए गाँव का कोई भी मजदूर सामने नहीं आया और खराब रास्ते की वजह से जेसीबी मौके पर नहीं पहुंच पाई, जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने अपने ही हाथों से डकैत राम सहाय के मकान को तोड़ा। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।